स्टूडेंट लास्ट वाली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने 8 वाला क्वेश्चन जो है उसका सी पार्ट के फर्स्ट वाले 3 यूज किए थे 1, 2 और 3। अब हम 4 और 5 वाला करेंगे और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 4 वाले में हमें क्या दिया हुआ है, 4 वाले में हमें ये कहता है एन दिया है, इसमें एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है, समेशन एक्स वाई दिया है, समेशन एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास दी हुई है। और हमें क्या कहता है, हमने वही दो चीज़ें जो लास्ट वाले 3 पार्ट में की हैं वही वाली हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट दोनों के फाइंड करने हैं। अच्छा बेटा, इसमें हमारे पास क्योंकि जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है एक्स बार वाई बार, तो इसके मुताबिक हम फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके मुताबिक हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास जो है वो पहले नंबर पे हम निकालेंगे एस एक्स वाई। इसका फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, समेशन एक्स वाई ओवर एन माइनस एक्स बार y बार। अब इसकी वैल्यू पहले सबसे फाइंड कर लेते हैं हमारे पास क्या आती है, समेशन एक्स वाई ओवर n। समेशन एक्स वाई क्या है, 364 डिवाइडेड बाय n, n कितना है 8, माइनस x बार 7 मल्टीप्लाई y बार 5। इनको सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास क्या आता है, थ्री सिक्सटी फोर ओवर एट इक्वल टू 45.5। ये हमारे पास आ गया 45.5 माइनस 7 को 3 5 से करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब इस पे से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा, एस एक्स वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, एस एक्स का स्क्वायर। उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर, ऊपर ये वाली वैल्यू आ जाएगी और नीचे क्या आएगा एन। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 132 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8। अब इसको भी हम निकाल लेंगे, 132 को डिवाइड किस पे कर लेंगे 8 पे, इज इक्वल टू 17। एस वाई का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ऊपर आएगा समेशन एक्स वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर 56 डिवाइडेड बाय एन 8 कितना आता है, 56 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 7। अब बेटा हमने दो चीजें फाइंड करनी थी, एक बी एक्स ऑन वाई और दूसरा क्या फाइंड करना था, बी वाई ऑन एक्स। आप इन दोनों को अलग-अलग सॉल्व कर लेते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास क्या था, ऊपर एस एक्स वाई, नीचे अगर वाई है तो वाई एस वाई का स्क्वायर। इसका फार्मूला एस एक्स वाई और नीचे अब बाद में क्या आ रहा है एक्स, तो एस एक्स का स्क्वायर। समझ आ गई है। अब यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू एस एक्स की क्या थी, एक्स वाई की, एस एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आई थी 10.5 डिवाइडेड बाय एस वाई का स्क्वायर। हमारे पास कितना था, एस वाई का स्क्वायर वो 7 है। और इस वाले में जब लिखेंगे तो इधर 10.5 ही आएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, एस एक्स का स्क्वायर वो हमारे पास कितना है 17। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं क्या आता है हमारे पास, 10.5 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1.5। ये आ गया बी एक्स ऑन वाई। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, इसको बी वाई ऑन एक्स, 10.5 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू 0.618। ये भी बेटा सॉल्व हो गया। अब इसके क्वेश्चन नंबर 8 का जो सी वाला पार्ट है उसके फोर्थ जूस की तरफ चलते हैं। उसमें आर दिया हुआ है, एस एक्स दिया हुआ है, एस वाई दिया हुआ है और आपने फाइंड इसमें भी कौन कौन सी चीज़ करनी है, वही वाली दोनों चीज़ें, इसमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा इसमें जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास जो बी एक्स ऑन वाई का फार्मूला होगा वो क्या होगा, आर इंटू एस एक्स ओवर एस वाई, वाई बाद में है तो वाई नीचे आएगा। आर की वैल्यू कितनी है, 0.97
मल्टीप्लाई एस एक्स की वैल्यू कितनी है 17.08 डिवाइडेड बाय एस वाई इसकी वैल्यू कितनी है 14.34। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बी एक्स ऑन वाई कितना आ जाता है हमारे पास 0.97 मल्टीप्लाई 17.08 डिवाइडेड बाय 14.34 इज इक्वल टू 1.155। बेटा पहले वाला हो गया, अब इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे बी वाई ऑन एक्स, तो उसका फार्मूला क्या होगा आर मल्टीप्लाई एस वाई ओवर एस एक्स। अब इसमें एक्स बाद में आ रहा है, जो बाद वाली वैल्यू है वो हमेशा नीचे आनी है। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.97 मल्टीप्लाई एस वाई की वैल्यू कितनी है 14.34 डिवाइडेड बाय 17.08। अब इसको करके देखते हैं सॉल्व, हमारे पास क्या आता है 0.97 मल्टीप्लाई 14.34 डिवाइडेड बाय 17.08 इज इक्वल टू 0.814। ये बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो बेटा इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सी वाला पार्ट जो था उसके जितने जूस थे सारे कंप्लीट हो गए।